कर्नाटक चुनाव में जीत का जश्न मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है, जहां कार्यकर्ता उत्साहित होकर जीत का जश्न मना रहे हैं। हनुमान जी की तस्वीर को हाथ में रखकर कार्यकर्ता इस चुनाव को सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। भोपाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। और यहाँ पर बजरंग हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो खुशियों का माहौल है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपको यहाँ पर नजर आएगा कि हनुमान जी की जो तस्वीर है उसको हाथ में रखे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ पर बजरंग बली की जय के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और जीत का जो जश्न है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से परिणाम निकल कर आए हैं उसके बाद कांग्रेस में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बात करेंगे सर, परिणाम आ गए हैं क्या कहेंगे? देखिए आज शनिवार है और हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की जन्मस्थली कर्नाटक में है, तो मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक भाजपा में लग गया फाटक, बजरंग बली की कृपा है। अभी कर्नाटक अब मध्य प्रदेश माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। माननीय मोदी जी कितनी भी प्रयास कर लो आपको झूला उठा के 2024 में जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी की तस्वीर आप लेकर आई है, क्या बताना चाह रही? देखिए बिल्कुल हनुमान बजरंग बली की जय, और हनुमान बजरंग बली ने ये दिखा दिया है कि जय हनुमान बजरंग बली और तोड़ दुश्मन की नली, और वहाँ पर जो सच्चे भक्त है हनुमान बजरंग बली के उनकी जीत हुई है और दुश्मन की हार। नाम आए थे अब 23 के चुनाव होने वाले हैं, 18 के परिणाम भी हमने देखे थे, अब 23 के अंत में चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए कमलनाथ जी स्वयं बजरंग बली कितने बड़े भक्त हैं, उनको कहीं ना कहीं बजरंग बली का आशीर्वाद 2023 के चुनावों में मिलने जा रहा है। कर्नाटक की जीत भी दिखा रही है कि इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो छलावे की राजनीति है उसको समझ चुकी है और देश की जनता का कहीं ना कहीं फिर से विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति दृढ़ हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत के। कर्नाटक में जो परिणाम आए वैसे ही मध्य प्रदेश से उम्मीद है? निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो हर झूठ आज कर्नाटक की जनता ने परास्त किया। जिस तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ फैलाया था, बजरंग बली को भी जो है छलने का काम किया था, तो बजरंग बली के सच्चे भक्तों ने कर्नाटक में परिणाम दे दिया है और मध्य प्रदेश का भी जो मतदाता है वो इस सच को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की आड़ में लूटने वाली पार्टी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है इन चुनाव परिणाम के आने के बाद। लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल से आपको नजर आ रही हैं कि किस तरह से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होकर बजरंग बली की जो तस्वीर है वो हाथ में लिए हुए यहाँ पर कर्नाटक की जीत का जश्न मना रहे हैं और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जो परिणाम कर्नाटक में आए हैं मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है कि 5 महीने के बाद चुनाव है और ठीक 5 महीने पहले जब कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए तो कहने की कार्यकर्ताओं में एक उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को